हो गए राइट yes, right. पहले मैं आपको इस फिल्म का सिनॉप्सिस दे देती हूँ सत्या चौधरी मरने वाली है और मरने से पहले वो अपने पति देव की शादी करवा देना चाहती है देव के लिए वो रूप नाम की एक लड़की को चूज करती है और रूप अपनी मर्जी के खिलाफ शादी कर लेती है रूप शादी करके अपने पति के घर हुसनाबाद चली जाती है और वहाँ हीरा मंडी की बदनाम गलियों में बहार बेगम नाम की एक तवायफ से म्यूजिक सीखने लगती है हीरा मंडी में ही उसे जफर नाम के एक नाजायज औलाद से प्यार हो जाता है और क्या होता है उसके बाद फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट इस फिल्म का न तो कोई सर है और ना ही कोई पैर कभी ये गदर बन जाती है तो कभी हम सनम स्टोरी बहुत प्रेबल है और इतनी क्लीशेड फिल्म आज के दौर में मेकर्स ने बनाने की सोची भी कैसे ये एक मिस्ट्री है करण जौहर ने कहा था कि इस फिल्म का आइडिया उन्हें पंद्रह साल पहले आया था तो सर आपको ये फिल्म तभी बना लेनी चाहिए थी क्योंकि आज के जमाने में इस फिल्म के लिए कोई जगह नहीं है ना ही ये एंटरटेनिंग है ना ही ये इंफॉर्मेटिव है और ना ही इसमें कोई नोवेल्टी फैक्टर है पंद्रह साल बहुत टाइम होता है एक स्क्रिप्ट उसके बावजूद कोठे इन पर हम बेहतरीन मूवीज देख चुके हैं सो वॉट है फिल्म इज अजुअल स्पेक्टिकल मैसिव स्केल लेकिन यहाँ सेट्स लगते हैं उनमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है संजय लीला भंसाली की फिल्म अगर आप देखें तो वहां हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन वैल्यू तो बहुत है लेकिन रियलिज्म नहीं फर्स्ट हाफ अच्छा है इट हैज इट्स फ्लॉज बट इट कीप्स यू एंगेज बट दिस फिल्म कुड नॉट अवॉइड द हाफ फिल्म को बहुत खींचा गया है इसमें फालतू के गाने हैं, कृति सनोन वाला गाना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं था

बाय द वे उस सीन का वी और सी भी बहुत खराब है माधुरी के कोठे में जाने के लिए बोट से जाना पड़ता है अरे यार साइड से चल के चले जाओ अननेसेसरीली एक बंदा लगाया हुआ है इतना ध्यान अगर स्टोरी में दिया होता तो आज ऑडियंसेस का सरदर्द और पैसा वेस्ट नहीं होता एक्टिंग की बात करें तो वरुण धवन इज फैंटेस्टिक एज जफर एंड इवन दो आई एम नॉट अ वरुण धवन फैन आई थर्ली इंजॉयड हिज परफॉर्मेंस आलिया भट्ट स्ट्रिक्टली ओके उन्होंने वैसे ही एक्टिंग की है जैसे कि वो करती है लेकिन हाँ उन्होंने फिर से बहुत फास्ट बोलना स्टार्ट कर दिया है सोनाक्षी सिन्हा का रोल थोड़ा सा ही है और फर्स्ट हाफ में ही खत्म हो जाता है सीन इन अ स्पेशल अपियरेंस एंड ही इज हीस रोल माधुरी दीक्षित इज जस्ट एवरेज और मुझे किसी ने कहा कि अगर माधुरी दीक्षित के ऊपर एक टावल मारेंगे तो 10 किलो पाउडर गिरेगा पढ़ते ही पढ़ते हैं मेकअप की एंड दैट इज मेकिंग हर लुक वेरी वेरी ओल्ड आदित्य रॉय कपूर इज़ अ लुकर एंड ही इज़ गिवन अ फैबिलेस परफॉर्मेंस एज देव कुणाल केमू एक अच्छे एक्टर हैं लेकिन उनका कैरेक्टर बहुत कन्फ्यूजिंग है वो क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं ये सिर्फ मेकरस ही जानते हैं कि आर अडवाणी इज जस्ट लाइक अ शो पीस एंड एम श्योर कि उन्होंने ये रोल सिर्फ करण जौहर की गुड बुक्स में रहने के लिए किया होगा कलंक अप टू इट्स नेम ये फिल्म बॉलीवुड पे किसी कलंक से कम नहीं है इतनी महंगी मूवी और देखने पे क्या मिला एक कॉस्ट्यूम ड्रामा विद अ बिनाल स्टोरी कुछ सीन्स अच्छे हैं दे मेक एन इम्पैक्ट लेकिन उन्हें आप उंगलियों पे गिन सकते हैं म्यूजिक अच्छा है लेकिन अगर कुछ गाने नहीं होते तो ये फिल्म थोड़ी और टॉलरेबल हो जाती इसे बहुत खींचा गया है और कुछ टाइम के बाद आप सर्टेनली बोर हो जाएंगे एडिटिंग और स्क्रीन प्ले दोनों ही बहुत बेकार है इस फिल्म को कम से कम 40 मिनट कट करना चाहिए था सिनेमेटोग्राफी इज गुड आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ फिल्में कर्जों की तरह होती है उन्हें देखना नहीं झेलना पड़ता है मेरी तो मजबूरी थी आपकी नहीं है तो यू कैन डेफिनेटली अवॉइड दिस डिबैकल आई गिव दिस फिल्म ऑफ टू स्टार्स So that's all I have for you today. I'll see you next time with something new and something fresh. Till then, stay tuned to Movie Talkies and do not forget to subscribe.